फेक न्यूज को लेकर आलोचना झेल रही व्हाट्सएप ने फर्जी संदेश की शुरुआत करने वालों की पहचान सरकार को बताने से इनकार कर दिया। व्हाट्सएप का कहना है कि ऐसा करने से पर्सनल चैट के एक प्लेटफॉर्म के रूप में व्हाट्सएप की पहचान पर असर पड़ेगा। व्हाट्सएप ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोग अपने परिवार, डॉक्टर, बैंक के साथ संवेदनशील चैट के लिए करते हैं। ऐसे में चैट का सोर्स बताने से मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सरकार की ओर से जारी नोटिस का जवाब देते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि फेक न्यूज से निपटने के लिए भारत में स्थानीय टीम खड़ी कर रही है, जिसका प्रमुख कोई भारतीय हो सकता है।